और वो माँ का दर्द कोई माप नहीं सकता है। जो माँ होती है उनको पता है इसका दर्द कितना होता है, कोई नहीं इसका माप लगा सकता है। मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ, और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने जैसे माओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, और मैं हमेशा बोलती रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये है मंजू सिंह, शहीद अंशुमान सिंह की माँ। वही अंशुमान सिंह जो एक साल पहले सियाचिन में 19 जुलाई 2023 को आग में फंसे अपने साथियों की जान बचाते बचाते शहीद हो गया। अंशुमान की माँ और पिता दोनों की शिकायत ये है कि उनके बेटे को जो कीर्ति चक्र मिला वो फिलहाल उनकी बहू स्मृति अपने साथ लेकर मायके चली गई, जबकि माँ पिता होने के नाते उस सम्मान की एक निशानी उनके पास तो होनी चाहिए थी। दरअसल नियमों के मुताबिक शहीद हुए शख्स का सम्मान और कॉम्पनसेशन नेक्स्ट ऑफ किन को दिया जाता है। तो क्या है ये नेक्स्ट ऑफ किन रूल और क्या ये बदला जाना चाहिए, इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उस पल का वीडियो सभी ने देखा जिसमें शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह राष्ट्रपति मुर्मू से सम्मान स्वीकार करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक पत्नी है जिसने 8 साल की लंबी रिलेशनशिप के बाद शादी की और शादी के 5 महीने के अंदर ही उस पति को खो दिया जिसके साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देखे थे। वीडियो में साथ में वो माँ भी है जिसने अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पाला था, उसको दुनिया में लाई थी लेकिन अब वो दुनिया से जा चुका है हमेशा हमेशा के लिए। महिलाओं का दिल बेहद नर्म होता है, चाहे वो किसी की पत्नी हो या किसी की माँ। वो अपने पति या अपने बेटे को खोने के बाद उसकी एक एक निशानी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन यहाँ इस माँ को एक नाराजगी है कि उसके बेटे की बहादुरी की निशानी और उसकी सारी यादें नेक्स्ट ऑफ किन के नियम के मुताबिक उसकी पत्नी लेकर अपने मायके चली गई है। तो क्या है ये नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी? नेक्स्ट ऑफ किन यानी क्लोजेस्ट इन रिलेशन, मतलब किसी शख्स का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार। नेक्स्ट ऑफ किन रेफर किया जाता है किसी शख्स के स्पाउस को, यानी पति या पत्नी या वो ना हो तो उसके नियरेस्ट रिलेटिव या फैमिली मेंबर या फिर लीगल गार्डियन को। जब कोई शख्स आर्मी में एनलिस्ट होता है तो उसके पेरेंट्स या गार्डियंस को नेक्स्ट ऑफ किन के तौर पर रजिस्टर किया जाता है, लेकिन अगर उस शख्स की शादी हो चुकी है तो पेरेंट्स की जगह उसकी स्पाउस नेक्स्ट ऑफ किन हो जाती है। एज पर द रेगुलेशन, अगर किसी ऑन ड्यूटी आर्मी मैन को नुकसान होता है तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को एक्स ग्रेशिया पेमेंट या कॉम्पनसेशन मिलता है। इन्हीं नियमों को देखते हुए शहीद अंशुमान के पेरेंट्स इनमें बदलाव चाह रहे हैं। अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने इन नियमों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के शहीद होने के बाद उनकी बहू मायके चली गई है, उसने अपने तमाम आईडी कार्ड्स पर अपना एड्रेस भी लखनऊ के पते से हटाकर पंजाब के गुरदासपुर के अपने मायके के एड्रेस पर करवा लिया है, ताकि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बजाय अंशुमान के लखनऊ वाले घर पहुंचने के पंजाब में उसके घर पहुंचे। अंशुमान के पिता का मानना है कि हेल्थ बेनिफिट्स या बिना विल वाली डेथ के केस में प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस किसको मिलती है, इन चीजों को लेकर नेक्स्ट ऑफ किन के रूल्स रेगुलेशंस में रिवीजन होना चाहिए। साथ ही सरकार जो कॉम्पनसेशन अमाउंट और दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उनके नियमों में भी बदलाव होने चाहिए। ये सब इसलिए ताकि शहीद की पत्नी के साथ उसके पेरेंट्स को भी हर तरह की असिस्टेंस मिले। अंशुमान की माता पिता ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से इस बात पर भी चर्चा की है कि मिलिट्री ऑनर्स के रेप्लिकास शहीद की पत्नी के साथ उसके पेरेंट्स को भी मिलने चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे की निशानी रख सके। उनका कहना है कि वो अपनी बहू के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर उनके जैसे माँ बाप के बिहाफ पर बोल रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा दुख झेला है जैसा वो झेल रहे हैं। शहीद अंशुमान के पेरेंट्स की मांग पर आपकी क्या राय है कमेंट पे बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।